चलिए दोस्तों, तो 14 अक्टूबर का रियल रेट जान लेते हैं क्या चल रहा है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए। तो आज इंडियाज बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया 35 पैसा, पाकिस्तान के लिए 43 रुपया 1 पैसा, नेपाल के लिए 31 रुपया 45 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपया 35 पैसा। तभी लालराजी बैंक का दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया 27 पैसा, पाकिस्तान के लिए 43 रुपया 26 पैसा, नेपाल के 30 रुपया 23 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपया 37 पैसा। फौरी बैंक का दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया 27 पैसा, पाकिस्तान के लिए 43.1, नेपाल के लिए 30 रुपये 92 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपये 26 पैसा। वेस्टर्न यूनियन इंजाज आज दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया 25 पैसा, पाकिस्तान के लिए 43 रुपये 21 पैसा, नेपाल के लिए 31 रुपये 11 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपये 37 पैसा। STCPA आज दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया 19 पैसा और पाकिस्तान के लिए 43 रुपये 25 पैसा और बांग्लादेश के लिए 31 रुपये 11, नेपाल के लिए 31 रुपये 11 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपये 37 पैसा। NCBQPA आधे रहा इंडिया के लिए 19, पाकिस्तान के लिए 42.75, नेपाल के लिए 31.75 और बांग्लादेश के लिए 22 रुपये 32 पैसा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इरसाल बैंक, टेलीमनी बैंक ये सब क्या दे रहा है। आज इरसाल बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपये 25 पैसा, पाकिस्तान के लिए 43 रुपये 15 पैसा, नेपाल के लिए 30 रुपये 70 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपये 27 पैसा। टेलीमनी बैंक आज दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया 30 पैसा, पाकिस्तान के लिए 43 रुपया 12 पैसा और नेपाल के लिए 31 रुपया 2 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपया 30 पैसा। एक्सप्रेस मनी बैंक आज दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया 27 पैसा, पाकिस्तान के लिए 43 रुपया 26 पैसा, नेपाल के लिए 30 रुपया 23 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपया 37 पैसा। मनीग्राम बैंक आज दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया और 34 पैसा, पाकिस्तान के लिए दे रहा है 43 रुपया 38 पैसा, नेपाल के लिए 31 रुपया 11 पैसा और बांग्लादेश के लिए 22 रुपया 44 पैसा। रियाद बैंक आज दे रहा है इंडिया के लिए 19.27, पाकिस्तान के लिए 43.17। विनियाला बैंक आज दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपया और 33 पैसा।